स्टूडेंट्स की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक होता है उसका बैकपैक। एंड अगर बैकपैक स्टाइलिश है, कूल है, तो अपने अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है स्कूल या कॉलेज जाते टाइम, है ना। एंड फिर इस बैग से अच्छा तो दूसरा कोई बैग आता ही नहीं, बिकॉज इससे आप अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके इसमें काफी सारे कूल एनिमेशन डिस्प्ले कर सकते हो। इसमें साइड में पॉकेट्स भी रहती हैं जिसमें आप अपना कैमरा वगैरह या कोई ऐसा ही दूसरा डिवाइस रख लोगे। इवन आपकी सेफ्टी के लिए बाइसिकल चलाते टाइम इंडिकेटर्स देने हो या पीछे से आ रहे ट्रैफिक को रोकना हो, उसका इंतजाम भी है इसमें। अभी तक आपने डेस्कटॉप देखा है, लैपटॉप देखा है, जिनमें एक ही स्क्रीन रहती है ऑब्वियसली, बट अब मिलिए स्पेस टॉप से, जिसमें आपको एक या दो नहीं बल्कि जितनी चाहोगे उतनी स्क्रीन्स आपके सामने खुल जाएंगी। ठीक इस तरह से फिर एक स्क्रीन में आप ऑनलाइन क्लास खोल लो, बगल वाली में गाना चला लो, तीसरी स्क्रीन में अपनी चैट्स खोल लो, एंड फोर्थ में गेम खोल लो। मतलब यार आपकी मल्टीटास्किंग खत्म हो जाएगी, बट इसमें स्क्रीन्स खत्म नहीं होंगी। स्पेस टॉप दुनिया का पहला AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी लैपटॉप है दोस्तों, और जैसे ही आप इसके ये ग्लासेस उतारोगे ये ऑफ हो जाएगा। एंड एक्चुअल में देखने में ये AR लैपटॉप कुछ ऐसा दिखता है। ये कूल ग्लोब तो स्टूडेंट्स की डेस्क पर या उनके रूम में होना ही चाहिए, जो कि अपने बेस के ऊपर हवा में उड़ता रहता है, लेविटेट करता है। साथ ही इसमें दिखाई दे रहे कलर्स भी चेंजेबल होते हैं, यानी उन्हें आप चेंज कर सकते हो। एंड अब तो आपको भी पता होगा कि ये बिना किसी सपोर्ट के हवा में ऐसे कैसे फ्लोट कर रहा है। ऑब्वियसली मैगलेव टेक्नोलॉजी के चलते। मटेरियल इसका प्लास्टिक रहता है दोस्तों, वो भी काफी हल्की प्लास्टिक। एंड एक चीज मुझे इसमें काफी सही लगी कि जो दूसरे फ्लोटिंग गैजेट्स होते हैं वो फ्लोट करते टाइम ना थोड़ा सा शेक करते रहते हैं, बट ये ग्लोब बिल्कुल स्टेबल रहते हुए हवा में फ्लोट करता है। वहीं 300 रुपए में आने वाली ये स्मार्ट रिंग, मतलब है तो स्मार्ट ये कहने को ही, बिकॉज स्मार्टनेस के नाम पर इसमें सिर्फ एक ही फीचर है, एंड वो है टेम्परेचर बताने का। मतलब आप जिस भी रूम में जिस भी स्पेस में होगे वहां का टेम्परेचर ये रिंग आपको रियल टाइम में बता देगी, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें कुछ स्मार्ट नहीं है, बट यार अब 300 रुपए में कॉलिंग वाली स्मार्ट रिंग भी तो नहीं मिल सकती ना। अब ये पेन अगर आपने ले लिया तो इससे लिखोगे तो शायद ही कभी, बस पूरा टाइम ऐसे स्पिन ही करते रहोगे, चाहे स्कूल क्लास में हो या कॉलेज में या कोचिंग में। बहुत एडिक्टिव है ये। इस पेन के एक एंड पर फ्लैशलाइट रहती है, उसे ऑन करके स्पिन करने पर कुछ ऐसा लगता है, एंड ऑफ करने पर ऐसे नॉर्मल एक फिजेट स्पिनर की तरह लगता है। इसे मिड में से पकड़ कर रोटेट करोगे तो इसकी पॉइंट बाहर आ जाएगी, जिससे फिर आप लिख सकते हो। एंड जरूरत पड़ने पर अंधेरे वगैरह में आप इसे एक नॉर्मल फ्लैशलाइट की तरह से यूज कर सकते हो। वुल्वरीन के क्लॉज की ही तरह इन ग्लव्स के बीच से निकलती हैं लेजर बीम्स। और बात करें नंबर ऑफ बीम्स की, तो पर ग्लव 4 बीम्स एमिट होती हैं इनसे दोस्तों। अब ये बीम्स टोटली हार्मलेस हैं, लेकिन सही पूछो तो इनका कोई प्रैक्टिकल पर्पस तो मुझे समझ नहीं आया, सिवाय एक के। एंड वो ये है कि इस बंदे को पार्टी में खड़ा कर दो तो अलग से जो डिस्को लेजर प्रोजेक्टर आता है उसे लगाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही अपने हाथों से ऐसे लेजर ही लेजर भर देगा उस रूम में। बैग के बाद दूसरी जो सबसे जरूरी चीज स्टूडेंट्स के लिए है वो है उनके पेन्स। तो भाई ये रहा एक तगड़ा ट्रांसफॉर्मर पेन। ऐसा कुछ आपने पहले कभी देखा हो तो कमेंट में लिख देना कि हाँ देखा है, नहीं देखा देन वीडियो को लाइक कर दो। बेसिकली हर ट्रांसफॉर्मर में दो पेन रहते हैं, एक ब्लू एंड एक ब्लैक, एंड दोनों ही पेन्स इसे स्लाइड करके निकाले जा सकते हैं, एंड वापस स्लाइड करके इसी में स्टोर भी हो जाते हैं। अब अगर ये वाला गैजेट आपने ले लिया तो लाइफ में दोबारा कभी पेन ड्राइव या SD कार्ड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गैजेट हर किसी के बहुत ज्यादा काम आएगा। ये एक अल्ट्रा मिनी साइज में M.2 NVMe SSD है। एंड इसका काम क्या है, तो काम इसका ये है कि ये आपके ढेरों डिवाइसेस, फिर चाहे वो कैमरा हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, कुछ भी हो, सभी के साथ यूज किया जा सकता है। बट इसका यूज है क्या, तो यूज है ऑब्वियसली स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करना। मतलब मान लो इसे आप अपने कैमरा में प्लग इन कर लेते हो तो फिर अलग से उसमें SD कार्ड लगाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चार्ज डिस्क इज मोर देन इनफ। बात करें कि ये कितना स्टोरेज स्पेस देगा, तो भाई जितना मेरे PC में टोटल स्पेस है ना उतना अकेले इस डिस्क में है। 2 TB की ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी है इसमें, एंड ट्रांसफर स्पीड रहती है 1000 MBPS। कहीं कोई लैग नहीं, सुपर हाई स्पीड से कॉपी पेस्ट मारते रहो, पता ही नहीं चलेगा आपकी फाइल्स कब कॉपी और पेस्ट हो गई। हर कोई चाहता है कि उसका अपना एक पर्सनल पेट हो जिसके साथ वो टाइम स्पेंड कर सके, एंड खासकर उन स्टूडेंट्स को पेट की बहुत जरूरत होती है जो बाहर रहकर स्टडी एंड प्रेप करते हैं। एंड अगर उनके पास रियल पेट की जरूरतें पूरी करने का टाइम नहीं है, देन वो ये वर्चुअल पेट ले सकते हैं। ये है आईलिश, जो कि इस ग्लास बॉक्स के अंदर होलोग्राफिक फॉर्म में मौजूद रहती है। आप चाहो तो आईलिश की जगह इस डिस्प्ले में टाइम एंड वेदर जैसी इन्फॉर्मेशन भी रियल टाइम में डिस्प्ले करा सकते हो, और तो और इसे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके इसमें म्यूजिक भी इंजॉय कर लोगे आप। और एक वर्चुअल पेट तो है ही इसमें, तो लाइक कुछ ना कुछ इसमें करते ही रहोगे, ये आपको बोर तो कभी नहीं होने देगा। अब देख लेते हैं केबल्स का फ्यूचर। अरे सच में यार, इस केबल सेट में अब तक की सबसे फ्यूचरिस्टिक केबल्स हैं। अब सबसे पहले तो बता दूं कि चाहे आपके पास आईफोन हो या एंड्रॉइड, दोनों के साथ ही आप इन केबल्स का यूज कर सकते हो, बिकॉज टाइप सी के साथ साथ इनमें लाइटनिंग का ऑप्शन भी रहता है।
डेटा ट्रांसफर करना हो या फिर चार्जिंग, इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑल दीज पर्पसेस। और इसकी लेंथ को भी आप अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। एक केबल तो इसमें ऐसे स्प्रिंग के फॉर्म में, कॉइल्ड फॉर्म में आती है, जो सबसे कूल लगती है, जो कि नॉर्मली तो लेंथ में छोटी रहेगी, बट जैसे ही इसे आप खींचोगे ये स्ट्रेच होकर लॉन्ग हो जाएगी। तो ये सेट पूरा ले लिया अगर एक बार, तो फिर चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर से रिलेटेड आपकी सारी नीड्स इसी से पूरी हो जाएंगी। अब ये स्पिनर टॉप कोई नॉर्मल टॉप नहीं है, इसे स्पिन करने के लिए आपको फिंगर्स का यूज करना ही नहीं है, बल्कि सिंपली इस पर एक फूंक मार देनी है, बस हो गया। उसके बाद काफी देर तक ये अपने बेस पर ऐसे ही स्पिन करता रहेगा। बट अभी तो रुको यार, अब ये देखो। अब आप सोच रहे होगी कि ये गिर क्यों नहीं रहा है, स्पिन कैसे कर रहा है, तो लेट मी टेल यू कि ये मैग्नेटिक है, सो इसे आप इन्वर्टेड करके भी इसके बेस पर स्पिन कर सकते हो। अब ये काइनेटिक शोपीस आपने काफी सारे ऑफिसर्स वगैरह में रखा हुआ देखा होगा। वैसे तो कोई भी गैजेट या डिवाइस हो, उसका एक भी पार्ट अगर मूव करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए ही होती है, बट नॉट इन दिस गैजेट। इसमें लगी ये स्टिक्स इस तरह से लगी रहती हैं कि ये अपने आप ही ऐसे मोशन करती रहती हैं। बस पूरा कमाल इसकी डिजाइन, इसकी बनावट का है, प्लस इन्हें इस तरह से ही इंटरकनेक्ट भी किया गया है, सो दैट ये एक पैटर्न में मूव करते रहते हैं, एंड इसे भी आप अपनी डेस्क पर या टेबल पर रख सकते हो दोस्तों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है सो प्लीज इसे अभी लाइक करके चैनल को कर लो सब, एंड नोटिफिकेशंस को ऑल पर जरूर से डाल दो, ताकि आने वाले गैजेट्स आपसे कभी भी मिस ना हो। सो दोस्तों सेफ रहिए एंड करते रहिए एंजॉय। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ। बाय।